ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम बात करेंगे अंधविश्वास की परंपरा। जी हाँ, पूरा देश गोवर्धन पूजा का त्योहार मना रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में लोग इस त्योहार को अपने अपने तरीके से मनाते हैं। कोई इस त्योहार पर गोधन कूटता है तो कोई गायों की पूजा करता है, तो कोई गोवर्धन पूजा के नाम पर जान को खतरे में डालकर पूजा अर्चना कर रहा है। जी हाँ, आज हम आपको ऐसी ही पूजा पद्धति के बारे में बताने जा रहे हैं जो जानलेवा साबित हो सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। गोवर्धन पूजा इस पर्व की शुरुआत तब से हुई जब इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी कानी उंगली पर गोवर्धन पहाड़ को उठाया था और समस्त ग्रामीणों की रक्षा की थी। लेकिन आज के वक्त में कई जगहों पर गोवर्धन पूजा का अपना अनोखा ही अंदाज है। कई जगहों पर गोवर्धन पूजा मनाने के लिए लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर गोवर्धन का त्योहार मना रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन और शाजापुर से गोवर्धन पूजा के मौके पर आस्था की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो शायद अंधविश्वास की आस्था को प्रदर्शित कर रही है। धार जिले के कई ग्रामीण अंचलों में गाय और गोहरी पर्व को परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। वहीं उज्जैन से 75 किलोमीटर दूर भिडावत गांव में गाय और गौरी पूजन के बाद लोग इकट्ठा होकर जमीन पर लेट जाते हैं और लोगों के ऊपर से गांव की गायों को निकाला जाता है। लोगों के ऊपर से गायों को गुजारने के पीछे ग्रामीणों ने बताया कि ऐसा करने से उनकी मन्नतें पूरी होती हैं और इस पूजन विधि में आस्था रखने वाले लोग हमेशा निरोग रहते हैं। वहीं उज्जैन में आलम ये है कि जब गाय लोगों को अपने कदमों से जख्मी आशीर्वाद देकर जाते हैं तो लोग तुरंत उठकर ढोल नगाड़ों की आवाज पर नाचने लगते हैं। धार और उज्जैन के अलावा शाजापुर में आस्था का अंधविश्वास का चेहरा देखने को मिला है, जहां गोवर्धन पूजा मनाने के लिए इलाके की महिलाएं एक जगह पर इकट्ठी होकर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की अनुकृति बनाती हैं और यहां पर बच्चों को गोवर्धन पर्वत पर लेटाने की अनूठी परंपरा है, जिसमें एक दिन के बच्चे से लेकर युवाओं को गोबर से बने गोवर्धन पर्वत पर लेटाया जाता है, जिसके पीछे गौली समाज की मान्यता है कि इससे बच्चों को किसी तरह की बीमारी नहीं होती है। यह परंपरा समाज में सैकड़ों वर्षों से प्रचलित है। गोवर्धन पूजा में आस्था की ऐसी पूजा विधि जरूर हैरान करती है। बहरहाल अगर बिना किसी जान माल की हानि हुए कोई सलामत रहे तो ऐसी आस्था विज्ञान को भी चुनौती देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अगर धार की हम तस्वीर देखकर सवाल ही उठता है कि क्या एक तरफ देश विकास कर रहा है लेकिन अभी भी अंधविश्वास जकड़ा हुआ है हमारे देश में? नहीं, चूंकि धार जिला आदिवासी बहुल जिला होता है और यहाँ पर इस तरह के कई तरह के ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, जैसे कि दिवाली के टाइम में गाय और गोरी का जो ये कार्यक्रम होता है, इसमें लोग जो जमीन पर लेटते हैं इनके ऊपर से गाय निकलती है। ये लोग चूंकि मन्नतधारी होते हैं, ये कई तरह की मान लेते हैं कि साहब अगर हमारे घर बच्चा हो जाएगा, हम ये बीमारी से ग्रसित है, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी तो हम 5 साल तक 10 साल तक आजीवन तक ऐसे जमीन पे लेटेंगे और हमारे ऊपर से गाय निकलेगी। जी बिल्कुल योगेंद्र, तो कई सालों से परंपरा को निभा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो हर सवाल ये उठता है कि कब तक अंधविश्वास की जकड़ में रहेगा हमारा देश और इसको परंपरा समझकर कब तक निभाते रहेगा? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। ये है ITV नेटवर्क।